प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब चैनल के सभी हमारे पत्रकार साथी, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि शाम में ही हमने तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल होने वाली थी वो आज ही ले ली जाए, ताकि कल 24 अक्टूबर है और कल आप लोगों के ज़रिए आवाम तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं वो आवाम तक पहुंचे, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। साथियों, आज हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर, कांग्रेस के सभी अहदेदारान, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और आज से एक साल पहले महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हुए और मालेगांव शहर ने भी एक फैसला किया था 24 अक्टूबर 2019 को मालेगांव शहर की आवाम ने भी अपना फैसला सुनाया था और मालेगांव शहर के MIM के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब कामयाब हुए और उस वक्त तो भी मैंने और शहर की आवाम ने मुबारकबाद दी थी और आज दोबारा एक साल नाकाम का अवार्ड हम देना चाहते थे, लेकिन वक्त तो बहुत कम है। आइंदा इंशाल्लाह दो साल जब मुकम्मल होगी, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से एक साल पूरा हुआ, एक साल भी वही वैसा ही जाएगा, लेकिन एक साल मुकम्मल तौर पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब नाकाम हो चुके हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आज बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि शहर की आवाम बखूबी जानती है कि उन्होंने कौन कौन से वादे करके मालेगांव शहर के नुमाइंदे बने, शहर की आवाम जानती है। अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अगर नए MLA रहते, फर्स्ट टाइम उनका रहता, तो ज़रूर मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता, उनको वक्त ज़रूर दे, दो साल तीन साल का वक्त तजुर्बा हासिल करने के लिए ज़रूर देना चाहिए किसी नए MLA को। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब दोबारा MLA बने, इसलिए उनको पिछले 5 साल का भी तजुर्बा है और अभी एक साल का, ऐसा 6 साल का मुकम्मल तजुर्बा होने के बावजूद भी वो आज नाकाम है। मैं समझता हूं कि शहर इस बात को मान रहा है। एक हद तक हम ये मान लेते हैं कि वो शहर का विकास, शहर का डेवलप करने में नाकाम हो रहे, लेकिन MLA की जो जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहर की नुमाइंदगी करें, अपने शहर के मसाइल को असेंबली के अंदर पेश करें, बड़े ताज्जुब की बात है, ना पिछले 5 साल वो बोले असेंबली में और ना ये 1 साल के अंदर 3-4 असेंबली सेशन हुए, ना ये 1 साल के अंदर वो बोले, ना आवाज़ उन्होंने बुलंद की। NRC, CAA, NPR, काला कानून मरकजी हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर नाफिज किया, लागू किया।
अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग असेंबली इजलास हुए, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग फैसला ली और महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी, कांग्रेस शिवसेना और राष्ट्रवादी की हुकूमत ने भी फैसला ली कि यहाँ पर ये काला कानून नहीं लगाया जाएगा। एक हमारा माइनॉरिटी का शहर है, जिस वक्त असेंबली इजलास चल रहा था, ज़रूरत वहाँ पर थी इस काले कानून की मुखालफत करने की, ये वहाँ से भी गैर हाजिर रहे, उन्होंने वहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठाई। पावर प्राइवेट कंपनी मालेगांव शहर के अंदर आती है, ये एक साल के अंदर जितने असेंबली के इजलास हुए, इन्होंने उसकी भी मुखालफत असेंबली के हाउस के अंदर नहीं की। ना बुनकरों के लिए सब्सिडी मिलना चाहिए, पॉलिसी बनना चाहिए, आवाज नहीं उठाई। ना पावरलूम मजदूरों के लिए आवाज उठाई गई, ना ही मालेगांव शहर के गरीब भाई जिनको राशन नहीं मिल रहा, रॉकेल खत्म कर दिया गया तो भी असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाई। हमारे शहर के अनेक हाई स्कूल के टीचर जिनका एप्रोल नहीं है, जिनको टुकड़ी की मान्यता नहीं है, पगार नहीं मिल रहा, ऐसे बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के थे, आवाज असेंबली के अंदर नहीं उठाई गई। आज बहुत सारे टीचर्स परेशान हैं, जबकि टीचरों ने सबसे ज्यादा वोट उनको ही वोटों से नवाजा, उसके बावजूद भी ये नुमाइंदगी उनकी भी नहीं कर पाए। आज हमारे शहर के अंदर तकरीबन एक अंदाज मेरा है कि 30 से 35 हजार ऐसे बुजुर्ग है, ऐसी हमारी माँ और बहनें जो बेवा है, जो तलाकशुदा है, जिनको वजीफा सरकार देती है, 4-5 महीने से वजीफे उनको नहीं मिल रहा है, आज वो परेशान है, आवाज उठाने वाला नुमाइंदा नहीं है असेंबली के अंदर, बहुत परेशान है वो। आप लोग देखिए कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर मेरा ऐसा मानना है कि रमजान महीना भी गया, सबे बारात भी गई, बकरीद भी हुई, मुहर्रम भी हुआ और अभी 12 रबीउल अव्वल आ रही है, मुसलमानों के मजहबी त्यौहार ये साल में जितने आए, ये शहर के नुमाइंदे ने एक मर्तबा भी ना कलेक्टर से नुमाइंदगी की, ना पुलिस प्रशासन से नुमाइंदगी की, ना सरकार से नुमाइंदगी की, ना असेंबली इजलास के अंदर खड़े रहकर बोले कि मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, कुछ शरायत के साथ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए ये चाहते तो त्यौहार अच्छे माहौल के अंदर हो सकते थे, लेकिन ये वहाँ पर भी नाकाम हुए। इन्हें जो एक नुमाइंदे की जिम्मेदारी है कि वो असेंबली के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाकर हमारे शहर के मसाइल मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके, वो कर सकता है। मुस्लिम रिजर्वेशन, आज मराठा भाइयों को रिजर्वेशन की आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन आप लोग देखिए एक मर्तबा भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तालीम में, सरकारी नौकरियों में एमएलए ने एक जुमला भी नहीं कहा, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला गया। मैं जिस वक्त 2014 में एमएलए बना,
मुझे कोई असेंबली का तजुर्बा नहीं था, लेकिन नागपुर का पहला ही असेंबली का इजलास था। उस वक्त असेंबली का तीसरा दिन और पहला इजलास मेरा था, वहाँ पर जमीयतुल उलमा पर पाबंदी की बात आई, अजान के ऊपर पाबंदी की बात बीजेपी के एमएलओ ने की। मैं तीसरे ही दिन बोलने की शुरुआत किया, आवाज़ उठाया, लड़ा, दलील दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैंने लड़ा और आवाज़ बुलंद की। और उसके बाद जो सिलसिला मेरा चला 5 साल आपके सामने, शहर के सामने, हर मसाइल के ऊपर, सिर्फ वो मालेगांव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मसाइल के ऊपर, लेकिन ये असेंबली में आवाज़ उठाते अगर कम से कम तो इतने मुतालबात वहाँ रख सकते थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब वहाँ पर भी नाकाम साबित हुए और असेंबली के बाहर और शहर के अंदर एक भी विकास, एक भी डेवलप का काम वो नहीं कर सके, यहाँ पर भी नाकाम हुए। 2 करोड़ रुपया मिलता है एक एमएलए को हर साल अपने असेंबली हलके के अंदर खर्च करने के लिए। आप लोग के जरिए मैं शहर के आवाम से मेरा सवाल है, एक लाख का काम इन्होंने बता देना कि इन्होंने जाकर उसका उद्घाटन एक रास्ते का किया, एक गटर का किया। साल गुजर गया, एक रास्ता नहीं बना सके। एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल उनके एमएलएशिप का इन्होंने बताना कि पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट से, कॉरपोरेशन से मैंने ये शहर के लिए एक दूसरा फ्लाईओवर ब्रिज या शहर का एक बड़ा रास्ता या शहर के अंदर एक कॉलेज या शहर के अंदर हॉस्टल या शहर बहुत बड़ा शादी हॉल, शहर के विकास के लिए 50 करोड़ का, 100 करोड़ का कोई प्रपोजल, रास्तों का एस्टिमेट बनाकर या टेक्सटाइल के लिए कोई पॉलिसी, यानी एक भी प्रपोजल इस एक साल के अंदर इन्होंने दाखिल ही नहीं किया। गवर्नमेंट के पास ये गई नहीं कि मेरे शहर का ये मसला है, उसमें भी नाकाम हो गए। और ये जो शेख आसिफ एमएलए था, मैं एमएलए था उस वक्त, तो जो आगरा रोड का प्रपोजल मेरे हाथ से बनाया हुआ, टेक्निकल सेंशन लिया हुआ, बाकायदा प्रपोजल को मैंने जो सबमिट किया था, ये वहीं पर सिर को जाके ऊपर एक लेटर लगा देते हैं। और उस वक्त तो वादा किया इन्होंने कि 12 दिन के अंदर मैं मंजूरी लाऊंगा, 12 महीने गुजर गए, आगरा रोड की मंजूरी आज तक आई नहीं। मैं आज शहर के आवाम के सामने ये बात, इस बात का मैं इतराफ करता, अगर मैं चाहता तो मेरी सरकार है, मैं ज़रूर आगरा रोड की मंजूरी लेकर आता था एमएलए नहीं रहने के बावजूद भी, लेकिन इस शहर की आवाम को इतना झूठ बोलते हैं। मैं मंजूरी मैं लाता था, लेकिन ये बोलते थे ये तो मैंने लेटर दिया था, सरकार ने मंजूरी दी, ये शहर को धोखा देते थे इसलिए मैंने मंजूरी नहीं लाया। मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ शहर की आवाम से, वो तो मैं काम कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। फ्लाईओवर ब्रिज शहर को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि शेख आसिफ ने मंजूरी लाई, अब बोलते यहाँ उतरेगा कि वहाँ उतरेगा, एक साल उसमें गुजार दिया। हालांकि आज भी मैं सकावत होटल के अंदर से जो भुयारी रास्ता बनाने का, जो डग छोड़ने की जो बात चल रही है, जो तजवीज़ मंजूर की असलम अंसारी साहब की यादी पर, टेक्निकली तौर पर आज भी मैं उसका उससे इत्तेफाक नहीं रखता, उसकी वजह है। लेकिन अब सब आवाज़ उठा ही रहे पूरी हमारी अपोजिशन पार्टियां कि वो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है।
उनकी हाँ में हमने भी मिला दी। हमने तजवीज लेके आई, चलो बाहरी रास्ता कर देंगे, लेकिन टेक्निकली तौर पर अगर एक साइड की ट्रैफिक जाएगी अपोजिट साइड की, सामने से गाड़ियाँ आएंगी, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा, वो भी पैसा जो खर्च होगा वो भी कॉरपोरेशन देगी, ये बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने अभी बजट के अंदर आगरा रोड की दोनों जानिब की गटरे पकड़ी, मंजूरी की कॉरपोरेशन के फंड से, दूसरे दिन अखबार के अंदर आ गया ये तो गवर्नमेंट से मैंने मंजूरी लाया। अल्लाह के बंदे, इतना झूठ मत बोलो, ये कॉरपोरेशन का फंड है, गवर्नमेंट का फंड कहाँ है बताओ। तो ये शख्स सिर्फ झूठ का सारा, शहर के आवाम को धोखा देना, और ऐसा धोखा मैं समझता हूँ नहीं देना चाहिए, कोई सियासी लीडर ने शहर में नहीं दिया, और ये शख्स पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। मैं सिर्फ इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको लेना पड़ा कि शहर की आवाम को फ़र्क महसूस होना चाहिए कि जो नुमाइंदा चुनकर भेजा गया, शहर की आवाम ने भेजा है, वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये शहर की आवाम को समझना चाहिए। और नहीं तो मेरा पहला एक साल का मैंने हर साल हिसाब दिया, पाँच साल मैंने हिसाब दिया। पहले ही साल में उर्दू घर की मंजूरी लाया था, आईटीआई की मंजूरी लाया था, पेंडिंग चल रहा है काम आईटीआई का, फ्लाईओवर लाया, हिल स्टेशन बना, उर्दू घर बना, अनेक काम मेरे अपने वक्त के अंदर हुए, स्टेडियम बना, और बहुत सारे हमारे प्रपोजल आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन शहर की आवाम ने मौका मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को दिया। बहरहाल शहर की आवाम से मेरी अपील है कि शहर की आवाम ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से पूछना चाहिए कि आप कब काम करोगे, हिसाब मांगना चाहिए। लॉकडाउन की बात करेंगे, अभी लॉकडाउन बोलेंगे था, मैं क्या कर सकता हूँ, लॉकडाउन में भी तो नाकाम हो गए, खुद क्वारंटाइन हो गए, क्या काम किया उन्होंने मुझे बताइए। ये बोलते हैं लॉकडाउन में हमने बहुत काम किया, याद होगा आपके पास वीडियो होगी, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के अंदर सुनील कड़ासने साहब, एडिशनल SP, बाकी सभी अधिकारी वहाँ थे, 50,000 मास मेरी तरफ से बांटा जाएगा MLA फंड से, एक मिला आपको, शायद उनके वर्करों को मिला होगा लेकिन शहर के आवाम को तो नहीं मिला। ये बोलते कि जो PP किट आई थी वो मेरे फंड से थी, कॉरपोरेशन ने लिख कर दे दिया कि ये कॉरपोरेशन की फंड की थी, तुम्हारी PP किट कहाँ है, तुमने 50 लाख कहाँ दिया, ये भी तुम साबित नहीं कर सके। सिविल हॉस्पिटल में दिया तो सिविल हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज सिविल वाले कर रहे थे, कॉरपोरेशन कर रही थी। तो ये लॉकडाउन में भी नाकाम, और लॉकडाउन का बहाना नहीं चलने वाला, मंत्रालय को ताला नहीं लगा हुआ था, 15% 30% 50% अधिकारी मंत्रालय आना शुरू हो चुके थे, फाइलें दौड़ना शुरू हो चुकी थी। तुम्हारी पार्टी का MLA है फारूक शाह, कम से कम जूनियर है, उससे पूछ लेते, आपको रास्ता नहीं पता था, मंत्रालय की सीढ़ियाँ शायद आप भूल गए होंगे, 5 साल नहीं गए तो मंत्रालय, उनसे पूछ लेते। तो मुकम्मल तौर पर ये शख्स नाकाम शख्स है, और मैं समझता हूँ कि शहर के आवाम ने अब इनसे हिसाब पूछना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए। हाँ, शहर की आवाम या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ये साफ कर दे कि मैं विकास नहीं कर सकता, शहर का डेवलप नहीं कर सकता, रास्ता नहीं बना सकता, तो जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झूठ मत बोलना, दूसरे के बच्चों को अपना नाम फिर मत देना।
झूठी खबरें मत छपवाना। शहर के आवाम मुफ्ती इस्माइल साहब ने इतराफ कर लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, बोलना कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता, ये रोड तुम ही बनाओ, गडर तुम ही बनाओ, डोला तुम ही करो शहर, तो हम तैयार है, हमारी तो सरकार है, हम तो जाकर मंजूरी ला सकते। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आज उनको यही मशवरा दूंगा कि शहर की आवाम ने दोबारा आपको मौका दिया था, मौका दिया है, आप शहर का विकास करिए, शहर का डेवलप करिए, टाइम पास शहर का मत करिए। शहर की आवाम को आप मज़हब के नाम पर, जज्बाती सियासत के नाम पर, आप मज़हबी शख्स हो उसके नाम पर, आप शहर की आवाम को आप गुमराह कर लेते हो, लेकिन एक सियासत अलग है, MLA आप अलग हो और मज़हब अलग, इसको आप मिक्स करते हो। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए भी बेहतर नहीं है और शहर के लिए भी बेहतर नहीं और शहर के मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर नहीं है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से कि आप शहर का विकास करिए, शहर का डेवलप करिए। बाकी मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने की आज ज़रूरत नहीं है, मौके से हम लोग बोलते रहेंगे, हर मौका आते रहेगा बोलते रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई सवालात करना है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ।